गाइस वी आर एंटरिंग इन द जिम। ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है और हम जिम में बैठे हैं। बुड्ढा मैं भी आऊंगा एक दिन, ऐसे मेरे को ही बोल देना। घुसते ही जिम में क्या आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वी आर डूइंग द ट्रेडमिल। हमने ट्रेडमिल से शुरू कर दिया है, 5 मिनट ट्रेडमिल करेंगे, उसके बाद अपने वर्कआउट सेशन की तरफ जल्दी से चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेडमिल एक वार्म अप का पार्ट है, हमें वो करना ही करना है। आज हम करेंगे लेग डे। ये कह रही है आज लेग डे करेंगे, देखता हूँ मैं कराऊंगा ना, आई एम द ट्रेनर। Now we are going for a second set. Shruti ने 10 किलो each side डाल लिया है, अब let's see Shruti मार पाती है नहीं मार पाती। छः रैप निकाले हमने, बहुत ही मुश्किल से, मोटा हो गया हूँ मैं। तो श्रुति पहन रही है बेल्ट, आज पहली बार 20 kg ईच साइड मार रही है, तो डरी हुई है, बेल्ट भी नहीं पहनी जा रही, मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी। रुको दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग फॉर, दिस इज लेग प्रेस 40 kg ईच। श्रुति इज टेकिंग द फर्स्ट सेट, सो लेट्स सी। तो लेग्स कहाँ रखने होते हैं देख लो प्रॉपर, और श्रुति की मूवमेंट चेक करी जाएगी। ओके परफेक्ट, नाइस नाइस। वीडियो बनते ही सही मारने लग जाती है, वैसे नहीं मारती पीछे। अब सेकंड सेट मेरा है, तो मैं जाऊंगा, मैं मारूंगा, मेरी मूवमेंट देखना। मैं भी आजकल ज़्यादा हैवी नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाद वर्कआउट शुरू करा है मैंने। इसका सेट ख़त्म हो जाए तो मैं मारना स्टार्ट कर दूँ। बस भाई कितना रैप मार लिया? 12। डन। अब मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा लेता हूँ अपने लिए। तो दिस मसल पार्ट इज थाई, और ये प्रॉपर थाई का वर्कआउट और प्रॉपर थाई क्या आता है, हम इसकी कोई भी मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं कर रहे, बेसिक मार रहे हैं, बेसिक हिप और बैक को टच कर रहे हैं बिल्कुल नीचे, और सिर्फ प्रेस।
तो हमने 10 kgs इंक्रीज कर दिया है एंड नाउ आई विल शो यू द मूवमेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें हिप और बैक बोन जो लोअर बैक होती है वो उस पर टच रखनी है और प्रेस और थोड़ा नीचे प्रेस, हल्का सा लेग्स को वाइडली ओपन करो ताकि वो प्रॉपर इम्पैक्ट आए प्रॉपर नीचे थाई तक। वेरी गुड, गो। ये आपने देखा होगा पहले ढंग से मार रही थी प्रॉपर, एक साइड थोड़ा सा डीप डाउन आया तो बहुत प्रेशर बढ़ने की वजह से शक्ल की हालत भी चेंज हो गई। तो इट्स अ प्रॉपर मूवमेंट, यही करनी है हमें। इस हालात को देख लो, क्या हालात चल रहे हैं। दो वर्कआउट अभी तक ढंग से प्रॉपर हुए नहीं है, थाई मारते हैं और हालात देखो। दिखा दो तो अपनी बेहोशी, क्या हो गया, चक्कर आ रहे हैं? पहले मैं 100 किलो मार लेती थी। ओ अच्छा, 100 किलो तो इनका बॉडी वेट नहीं है पूरा। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। ओहो, तो मैंने आज अचानक वेट बढ़ाया ना तो मेरे को चक्कर आ गया, ब्लैकआउट हो गया। तो ये मेरी कॉपी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। मेरे को 8 साल हो गए जिम करते हैं, 8 से ज्यादा हो गया ऑब्वियसली। तो आपने मुझे एक दिन 90 केजीज लगाया था लेग प्रेस पे, वो पता नहीं कौन सा दिन था, ये खा के आई होगी आलू के पराठे छोले भटूरे। अब ये थोड़ा सा हेल्दी खा रही है ना तो इसलिए इससे वेट नहीं लग रहा। मुझे बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे मैं पतली हो गई, थोड़ा हेल्दी नहीं, बहुत हेल्दी खा रही हूं। चलो ठीक है, बातें हो गई बहुत, चलते हैं दूसरे वर्कआउट की। मैं आपको दिखा देती हूं, आप खुद ही प्लस कर दो। लास्ट सेट है और इसका मेन पोस्चर बता देता हूँ मैं। जो ये हैंडल्स होते हैं, ये हैंडल्स ग्रिपिंग हैंडल्स, ये सिर्फ बॉडी को स्टेबल रखने के लिए होते हैं ताकि आपकी बॉडी उठे ना, हिप जो है और लोअर बैक जो है वो टच रहे पीछे मशीन पे। और सिर्फ जो इसका मेन फोकस है वो यहाँ आना चाहिए, ये इस मजल पार्ट में, ये देख रहे हो ये राउंड, ये ऐसे इस पे से उठना चाहिए और 1 सेकेंड का होल्ड इन्हेल एक्सहेल। वाह, अब हमने तीसरी एक्सरसाइज जो कि थी लेग एक्सटेंशन वो कर लिए। अब हम करेंगे वॉकिंग लंजिश जो श्रुति को बिल्कुल करने में उल्टी आ जाएगी, अब देखते हैं क्या करेगी। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमारी हो गई है और अब हम करेंगे वॉकिंग लंजिश। वॉकिंग वॉकिंग लंजिश नहीं, क्यों, क्या हो गया? नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। चलो गाइस मैं दिखाता हूँ कि वॉकिंग लंजेस के अंदर, ये तुषार है, ये इसने घूसा मारा और इसकी हालत देख लो। मेरे दिन की वजह से लग गई। अरे भाई 10 साल की मेहनत है, ऐसे बर्बाद थोड़ी ना हो जाएगी। लोहे पे हाथ मारोगे तो दबे गई। ये 50 लाख रुपए गिरते हुए, ज़्यादा बोल दी, 50 नहीं 70,000 रुपये की स्कीम में बता दे लोगों को, बोल दी झूठ बोल रहा हूँ, 1.5 लाख रुपये की बस। वाह, मैं अपनी बीवी को गिफ्ट कर सकता हूँ, थैंक यू श्रुति, आप थोड़ी बीवी हो। ये गाइस दिस इज़ आवर 4th वर्कआउट एंड विच इज़ वॉकिंग लंजेस एंड रेस्ट। इसका पर्पस क्या होता है तुषार विल टेल यू। आप मेरे पास वापस नहीं आए, मैं ही आ गई। तो श्रुति ने तो आपको बताया नहीं होगा इसके बेनिफिट्स और ओके। तो ये बेसिकली थाई का ही मसल पार्ट का वर्कआउट है, ठीक है। इट्स हेल्प यू टू इंक्रीज योर हिप मोबिलिटी एंड इम्प्रूव करती है आपकी प्रॉपर रनिंग परफॉर्मेंस भी, और इसके वजह से आपके जो ग्लूट्स हैं वो भी, उसकी भी थिकनेस बढ़ती है स्ट्रॉन्गर, ताकि आप अच्छी डेडलिफ्ट्स कर सको, अच्छे स्क्वाट्स ले सको।
वॉकिंग लंजेस का लास्ट सेट ले लिया हमने, और यू कैन सी कि थाइज़ में कितना फ़र्क है शेप में प्रॉपर। थाई दिखाओ, थाई दिखा दी मैंने अपनी, मेरी भी दिखाओ। कोई नहीं, बन जाएगी इसकी भी, बन जाएगी, बन जाएगी। ओके, दिस इज़ अवर फिफ्थ वर्कआउट एंड द लास्ट। इसके बाद हम सिर्फ काफ करेंगे, तो इसके मूवमेंट श्रुति दिखाएगी फ्रंट से। आज का वर्कआउट से बन गई? नहीं, डेली कंसिस्टेंसी। हो क्या पी रही हो अभी? मेरा बी सी डबल ए पी रही है। और इसमें पीछे बैठेंगे, स्क्वाट्स पीछे हेल्प में, ये प्रॉब्लम होंगे। सो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट वर्कआउट। इसके बाद बस थोड़ा सा काफ मारेंगे, तो हैवी हो गया वेट, श्रुति से लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सो थाई का वर्कआउट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट थाई का वर्कआउट। और आपका? मैं करता नहीं। सबसे अच्छा मसल पार्ट जो मेरी बॉडी के अंदर है वो थाई है, सेकंड नंबर पे चेस्ट है, थर्ड नंबर पे मेरे बाइसेप ट्राइसेप है, चौथे नंबर पे बैक है, और फिफ्थ नंबर पे है शोल्डर। शोल्डर मेरे वीक है। पिट पिट के कराते हैं, थाई कर लेते हैं, थाई कर लेते हैं। देखो मेरी थाई कितनी अच्छी बन रही है, दिखाना अपनी थाई। देख लो वो तो मैं अभी कपड़े नहीं उतार सकता, वरना दिखा देता थाई कैसी होती है। कटिंग बस यही काम आता है इसको जिम में करने में, मेरी बेइज्जती करती रहती है। सो दिस इज आवर लास्ट वर्कआउट एंड दैट इज काफ, जो कि है ये पार्ट। दिस एज यू कैन सी, यहाँ पे ये जो शेप आ रही है भाई, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, हंसने की जरूरत नहीं थी। हल्क लग रहे हो, हल्क सही नहीं बोला मैंने? वो एक थंबनेल के लिए पिक्चर दे देना, वो ऐसे ऐसे वाली पिक्चर चल जाती है ना, वो ऐसे करके वो वाला दोनों की ऐसे वाली फोटो चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को तो वो चाहिए, वो ऐसे चल जाती है लड़कियों की ऐसे। आप ही ले लो, ये निकाल लिया थंबनेल। सो वी आर डन विद द थाई वर्कआउट एंड नाउ अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आफ्टर थाई वर्कआउट, एवरी वर्कआउट। सो अब हम लास्ट अपना था स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग दिखाएंगे आपको। आज हम ऐप जो साइड्स नहीं मार रहे बिकॉज हम बहुत हाई इंटेंसिटी के ऊपर थाई कर चुके हैं, तो अब हम बस स्ट्रेचिंग करेंगे। चलो श्रुति, लेट मी सी कैसे करते हैं स्ट्रेचिंग, मेरे को तो आती नहीं है ना। ऐसे दिखते हैं वो लोग जिनमें थोड़ा सा कुछ काम करती है अकड़ आ जाती है। पहले पार्टनर के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं कपल में, फिर धीरे धीरे सिंगल दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। यही होते हैं वो लोग, क्योंकि इसने अभी मुझे बोला करना है तो करो नहीं तो साइड हो जाओ, और अब हंस रहा है जब से बोल के। वर्कआउट हो गया खत्म, अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या है। बेसिकली ये मल्टी विटामिन है, ये थाई सपोर्ट ग्लव्स, अभी मैं टी शर्ट चेंज करूँगा टी शर्ट, ये माइक का बॉक्स है, इसको भी माइक को भी अंदर डालेंगे,
और ये ग्रिप है जो जिसकी वो बात कर रहा था डेडलिफ्ट के लिए, इसको यूज़ करते हुए दिखाऊंगा ढंग से। और ये भी थाई का है रैप, और ये बहुत ज़रूरी है जब आप एक जिम में वर्कआउट करते हो, बाकियों को परेशानी ना हो आपके स्वेटिंग से। और ये है आपके एल्बो के लिए, शोल्डर मारते हुए, कोहनियों के लिए। और एक एक्स्ट्रा टी शर्ट, और ये भी एक एक्स्ट्रा टी शर्ट है जो मैंने वर्कआउट कर लिया, मैं चेंज करूँगा इसको, क्योंकि अगर आपको एक्ने से बचना है और साफ़ सुथरा रहना है तो आपको वो टी शर्ट चाहिए। बस यही है मेरे बैग में, और कुछ नहीं है। और हमारी ये बेल्ट है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स हैवी मारते हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये USI की बेल्ट बहुत अच्छी है, बिगनर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। सो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि हम दोनों ही ऑलरेडी ओवरवेट हो चुके हैं। अभी पहले की फ़ोटोज़ में डालूंगा अभी यहाँ पर कि मैं कैसा दिखता था, अभी मैं एक साल से कैसा हो गया हूँ, बिकॉज हमने कोई ट्रेनिंग नहीं करी और खूब दबा के खाया और हमने बहुत इन्जॉय करा, पार्टीज और ना और सब करा, बट फिटनेस हमें बाद में पता चला कि वो प्रायोरिटी है हमारी। और हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और हम दिखाएंगे कि वर्कआउट हम कैसे करते थे पहले, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंसड, बिकॉज मैंने 9 से 10 साल वर्कआउट करा है और हर कोच के अंडर करा है मैंने, द्वारका मतलब प्रॉपर दिल्ली में कोई भी ऐसा कोच छोड़ा नहीं है जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ना करी हो, और रोहिणी साइड तो बहुत ज़्यादा करी है मैंने, मुकेश गलौत जी के अंडर भी ट्रेनिंग कर रखी है, भूपेंद्र धवन जी के अंडर भी ट्रेनिंग कर रखी है। सो नॉलेज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। और मेरे पापा मेरे दादा वगैरह पुराने मतलब अखाड़े में वर्कआउट करते थे, तो देसी नॉलेज भी बहुत है, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हमारी जर्नी को देखते रहो और हमारे साथ फिट होते रहो और पतले होते रहो, हम तो होंगे। और अगर आप ये वीडियो देखोगे तो पक्का आप लोग भी होगे। हम नहीं, देखो मैं आपको सच सच बात बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको छोले भटूरे छोड़ने, रोटी छोड़ने, खा सकते हो, नहीं क्यों छोड़ने, दो मतलब एक महीने में एक बार ही खा लिए, दो बार खा लिए, बहुत है। हमें कभी भी अपना मेरे ख्याल से जो नेचुरल हैबिट है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आप आज डाइट कर लोगे, ब्रेड पे चले जाओगे, सब कुछ कर लोगे और पतले हो जाओगे, फिर आप दोबारा खाओगे कहीं ट्रिप पे जाओगे, कुछ भी करोगे, तो फिर वेट गेन कर लोगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, नो रॉइड्स, नो प्रोटीन और नो सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे और आपको नॉर्मली दिखाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारी फिटनेस जर्नी में बने रहने के लिए, और आपको डेली व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो भाई देख लो, मैंने इसको नारियल पानी पिला दिया, कल को तुम कह दो कि नारियल पानी के लिए रोती है और मैं पिलाता नहीं हूँ, मैंने अपना भी पिया भाई, ठीक है। गर्मी बहुत है तो डिहाइड्रेट रहो, हाइड्रेट रहो, नारियल पानी पियो, वरना डिहाइड्रेट रह जाओगे। हंसी क्यों भाई, मैं जोक नहीं मार सकता क्या, है हनुमान जैसा मुंह बना के देती है हर टाइम। कैसा लगा व्लॉग बताना, कैसा लगा, मैं कैसी लगी श्रुति? वैसे श्रुति की थोड़ा सा वर्कआउट में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा ऑफ चली जाती है मूवमेंट, मैं मानता हूँ क्योंकि ये बिगनर है, ठीक है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी, ऑब्जेक्शन मत उठाना, अगर गलत किया होगा तो सॉरी, बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगी। ओके गाइस, आज हमने थाई का वर्कआउट दिखाया है, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अब नेक्स्ट वर्कआउट होगा हमारा चेस्ट का।